हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज मार्केट में, लाइव मार्केट में हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज दी और उन पर हम कैसे ट्रेड ले सकते थे। देखो, हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर का 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने कोई हमें ट्रेड दिया या नहीं दिया। 15 मिनट की बात करेंगे तो 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, छोटा सा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और जो मार्केट का सपोर्ट था 44,600 का, मार्केट ने वहां से सपोर्ट लेके एक हमको एक बाइंग साइड का 600 पॉइंट दी। 600 पॉइंट की मार्केट ने रैली शो की। वन वे देखो, 15 मिनट चार्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी 30 पॉइंट की नेगेटिव कैंडल बनी है और मार्केट ने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए 600 पॉइंट की रैली दी है। और इस 600 पॉइंट की रैली देने के बाद मार्केट ने जो हमारा लेवल है 45,200 के लेवल पे रिजेक्शन लेते हुए एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। क्या मार्केट ने 600 पॉइंट का वन वे मोमेंटम दिया और मोमेंटम देने के बाद मार्केट ने एक रिजेक्शन पे 45,200 के रिजेक्शन पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। देखो, इस 600 पॉइंट के जो वन वे मूव है ना, इसमें क्या हुआ, जिन्होंने भी बाय किया है ना, उन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ना ही इस 15 मिनट में हमें कोई कंसोलिडेशन दिख रहा है और ना ही कोई नेगेटिव कैंडल दिख रही है। तो यदि जिन्होंने भी बाय, जितने भी बायर्स है ना, उन्होंने एग्जिट नहीं किया है, तो ये जो नेगेटिव कैंडल है शूटिंग स्टार और ये जो रिजेक्शन जो है 45,200 का, इन दोनों को देखते हुए यहाँ पे जितने भी बायर्स है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ से नई सेलिंग बन सकती है। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन जो है यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं। देखो, इस जोन से ही पहले भी मार्केट सेम शूटिंग स्टार कैंडल बना के फॉल, एक बड़ा फॉल दे चुका है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे प्लस जितने भी बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पर डबल फोर्स से डाउनसाइड का, डाउनसाइड पे प्रेशर बनेगा, मतलब यहाँ पर डबल फोर्स से मार्केट में सेलिंग साइड पोजीशंस बनेंगी, क्योंकि बायर्स जब अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो उनको सेल करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं, और जो सेलर्स हैं वो तो सेल करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, इस शूटिंग स्टार कैंडल पे अपन को एक पहला ट्रेड मिला है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यदि कोई भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है तो उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम एक ही ट्रेड में दिया है और उस ट्रेड ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि जो मोस्टली लोग तो 5 मिनट टाइम फ्रेम ही प्रेफर करते हैं, लेकिन जो सेफ होते हैं कि भाई थोड़ा सा ठीक है एक ही ट्रेड मिल जाए दिन का लेकिन सेफ मिले। अभी अपन चलते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट देखें तो 5 मिनट पे मार्केट ने क्या किया, देखो 5 मिनट पे मार्केट ऑलरेडी बाइंग साइड का ट्रेड दे चुका है और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया बाइंग साइड में मार्केट ने। देखो कैसे, ये अपना सपोर्ट जोन है। देखो, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन यूट्यूब ने अभी तक वो वीडियो अपलोड नहीं किया है, मतलब मेरी तरफ से वो वीडियो अपलोड हो चुके हैं लेकिन यूट्यूब पे अभी तक उनकी प्रोसेसिंग चल रही है। पता नहीं उन वीडियो में क्या हो गया है। उनमें मैंने कल ये लेवल डिस्कस किया था कि ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। पहला पहला सपोर्ट अपना ये रहेगा और सेकंड सपोर्ट अपना ये रहेगा, 45,500 और 44,600, ये दोनों एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और मार्केट ने आज गैप अप ओपन होने के बाद 44,600 पे एक हैमर कैंडल बनाया। कौन सा कैंडल बनाया? हैमर, बाइंग साइड का कैंडल। मार्केट देखो यहाँ पे ना, मार्केट में यही तो अपन को देखना है कि मार्केट पहले भी 45,600 के लेवल पे हैमर कैंडल बना के ऊपर जा चुका है, मार्केट अब फिर से हैमर कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे बायर्स तो हैं और सेम पैटर्न मार्केट बना रहा है। तो जब भी ना मार्केट ना सेम पैटर्न बनाता है ना सेम लेवल पे, तो हम उन पे ट्राई कर सकते हैं, एक ट्राई दे सकते हैं, क्योंकि भाई एसएल बहुत छोटा बन रहा है यहाँ पे, कितनी छोटी सी हैमर कैंडल है। चलो, किसी को यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई नहीं रिस्क नहीं लेना, तो भाई ये ध्यान देना, ये मार्केट ने डब्लू पैटर्न बनाया है, इस डब्लू पैटर्न के ब्रेकआउट पे भी एक ट्रेड दिया है मार्केट ने। उसके बाद यदि तुम्हें डब्लू पैटर्न तक भी वेट नहीं करो, उससे पहले भी मार्केट ने एक और ट्रेड दिया अपने को, वो ट्रेड कौन सा है वो ट्रेड भी देखते हैं। ये मार्केट ने फिर से एक और हैमर कैंडल दिया है, मार्केट ने डब्लू पैटर्न बनाया है और दोनों लो पे हैमर कैंडल दिया है और सपोर्ट भी है, 44,600 का सपोर्ट है। तो ये जो ट्रेड दिया ना भाई, ये ट्रेड तो लेना ही लेना है, मतलब क्या ही बोलू भाई। तीन तीन, एक ट्रेड में मार्केट ने तीन तीन एंट्री दिया और तीन नहीं देखो चौथी एंट्री दी है, वो भी बताता मैं आपको। ये डब्लू पैटर्न बन गया,
और देखो डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ कि परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, जिसका जो फर्स्ट लो होता है ना और जो सेकंड लो होता है, सेकंड लो हमेशा ऊपर हो ना, वो परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न होता है। ये ऐसे जितने भी डब्ल्यू पैटर्न बनेंगे ना उनके चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, तो मार्केट ने यहाँ पे परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और रिटेस्ट किया भाई। मार्केट ने रिटेस्ट किया, जो किया मार्केट ने फिर से दो हैमर कैंडल बना दी, मार्केट ने फिर से हैमर कैंडल बना दी। मतलब आज का मार्केट जो है वो टेक्स्ट बुक मार्केट था, कि जिसने भी भाई किताब पढ़ी है ना शेयर मार्केट के बारे में, ओके ऐसी हैमर कैंडल होती है, ऐसा डब्लू पैटर्न होता है, ऐसा रिटेस्ट होता है, उन सभी ने आज बहुत मोटा पैसा कमाया है भाई। क्योंकि देख लो, यदि अपन ऐसे लगा के चलते हैं कि किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया, ये कौन सा लेवल है 44,800 लेके चलते हैं, 44,800 से मार्केट 45,200 तक गया है, 400 पॉइंट वन वे। और जब इतना शार्प मोमेंटम होता है ना ऑप्शन बाइंग में, रुपए डबल होने में टाइम नहीं लगता, डबल और ट्रिपल होने में, 400 पॉइंट के मोमेंटम में तो रुपए 2.5 गुना और 3 गुना भी होंगे। क्योंकि जब ये 400 पॉइंट में ना, पता है मार्केट ने आपको कितने पॉइंट दिए होंगे, 350 प्लस पॉइंट दिए होंगे इन 400 पॉइंट के मोमेंटम में। चलो अपन तो यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से ट्रेड मार्केट ने दिए, तो एक ही जगह मार्केट ने अपन को चार एंट्री दी है, चार एंट्री। ये जो 400 500 पॉइंट का मार्केट ने अप मूव दिया है, इस अप मूव को पकड़ने के लिए मार्केट ने अपन को चार एंट्री दी है। इसके बाद अपन बात करते कि मार्केट ने और भी कोई सेलिंग साइड का कोई वो दिया है क्या, ट्रेड दिया गया? यस बिल्कुल, मार्केट ने अपन को एक सेलिंग साइड का ट्रेड दिया। वो कैसे दिया है? देखो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने एक बड़ी 100 पॉइंट की सेलिंग साइड की कैंडल बनाई है। देखो इस ब्रेकडाउन कैंडल पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है, हमारा ट्रेड एक्टिवेट कब हुआ है, जब मार्केट ने रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट करने के बाद जैसे मार्केट ने ये नेगेटिव कैंडल बनाई ना, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे। जैसे सेकंड लास्ट कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक किया, हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, और वहां से मार्केट को यदि हम देखें तो मार्केट ने वहां से भी 350 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया, 325 पॉइंट का अराउंड मार्केट ने मोमेंटम दिया। और ये कितनी बड़ी कैंडल है भाई, 150 पॉइंट की कैंडल है, 150 पॉइंट की कैंडल। मतलब मार्केट ने तो आज, देखो एक चीज पे ध्यान देना, इस वीक में मार्केट ने रुपए बना के दिए हैं, सोमवार को नहीं दिए थे और मंगलवार को भी नहीं दिए थे, 0-0 ट्रेड में मंगलवार को मार्केट ने रुपए बना के नहीं दिए थे, लेकिन बुधवार गुरुवार और शुक्रवार मार्केट बैक टू बैक 3 दिन से रुपए बना के दे रहा है। तो सोमवार के दिन मार्केट से थोड़ा हाथ दूर रखना। चलो इसकी तो बात अपन अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे, लेकिन मार्केट ने आज भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो आज बैंक निफ्टी में मार्केट ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कितने ट्रेड दिए, एक दिया है अपना ये शूटिंग स्टार पे, सॉरी हैमर कैंडल पे, दूसरा दिया है इस हैमर कैंडल पे, तीसरा दिया है इस ब्रेकआउट पे डब्ल्यू पैटर्न पे, और चौथा दिया अपन को रिटेस्ट पे। पांच ट्रेड कहाँ दिया है, इस कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकडाउन पे अपन को चौथा ट्रेड मार्केट ने, सॉरी पांचवा ट्रेड अपन को मार्केट ने दिया है। तो बैंक निफ्टी में 5 मिनट में तो मार्केट ने दिए 5 ट्रेड, 5 एंट्रीज दिए, और 15 मिनट में एक एंट्री दी है। इसके बाद अपन चलते हैं निफ्टी पे, कि निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी में अपन सीधे ही 5 मिनट देखते हैं, कि 15 मिनट में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। निफ्टी में कुछ भी नहीं दिखा, मार्केट ओपन हुआ, लो लगाया मार्केट ने 440 का और हाई लगाया 530 का, तो 90 पॉइंट की रेंज में निफ्टी तो घूमा है। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल था, लेकिन निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था। क्या निफ्टी ने फिर भी कोई ट्रेड दिया? बिल्कुल निफ्टी ने ट्रेड दिया है। देखो यहाँ देखो, कई लोगों के माइंड में अभी क्या आएगा इस चार्ट को देखने पे, कि जैसे अपन ने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया ये ऐसे डब्ल्यू पैटर्न पर, तो क्या यहाँ पे भी ऐसे डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड लिया जा सकता है? भाई देखो ध्यान देना, वहां पे डब्ल्यू बैंक निफ्टी का जो डब्ल्यू पैटर्न बना है वो 44,600 के सपोर्ट जोन पे बना है, 44,600 के सपोर्ट जोन पे वहां डब्ल्यू पैटर्न बना है, वो भी हैमर कैंडल के साथ डब्ल्यू पैटर्न बना है। और यहाँ हैमर कैंडल नहीं है, ये सेकंड कैंडल है हैमर, फर्स्ट जो लो है वो हैमर कैंडल का नहीं है। ठीक है, और यहाँ सपोर्ट कोई नहीं है, यहाँ सपोर्ट थोड़ी है, ये जोन अभी तक फर्स्ट लो जब तक लगा है जब तक ये जोन सपोर्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये फर्स्ट लो लगा ना, उस फर्स्ट लो ने यहाँ एक सपोर्ट बना दिया, कि 19,440 पे यहाँ बायर्स बैठे हैं, और बायर्स ने मार्केट को
मार्केट को 40 to 50 पॉइंट यहां से बाउंस कराया है। ठीक है, इस डब्ल्यू पैटर्न को अपन को क्यों नहीं मानना है, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ कुछ भी सपोर्ट नहीं है और ये बहुत छोटा डब्ल्यू पैटर्न है। यदि ऐसा डब्ल्यू पैटर्न अपन को ना 15 मिनट में दिखता है ना तो हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में ऐसे डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड नहीं लिया जा सकता, अपन को कुछ एक और रीजन चाहिए होता है। लेकिन अपन का ट्रेड कहाँ बना है, यहाँ बना है इस हैमर कैंडल पे, क्योंकि मार्केट ने ये बना दिया डब्ल्यू पैटर्न। मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बना दिए, तो यहाँ अपना पहला ट्रेड बना है इस हैमर कैंडल पे। 5 मिनट में निफ्टी ने पहला ट्रेड दे दिया हैमर कैंडल पे। सेकंड ट्रेड कहाँ दिया है, सेकंड ट्रेड दिया है यहाँ पे, लेकिन ये ट्रेड लेना नहीं था। ये ट्रेड लेना क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, ब्रेकआउट कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग है अपनी 498 की क्लोजिंग है। यदि यही कैंडल ना 502 पे क्लोज हो जाती है ना, तो यहाँ पे ट्रेड बनता, क्योंकि 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 500 के साइकोलॉजिकल लेवल को के ऊपर जब तक मार्केट एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा, हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो एक सिंगल ट्रेड दिया है, मतलब निफ्टी ने आज अपन को बस एक सिंगल ट्रेड दिया, वो भी डबल बॉटम पे हैमर कैंडल के साथ। और बैंक निफ्टी ने हमको कितनी एंट्री दी है, 5 एंट्री दी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और एक एंट्री दिया अपन को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये अपना आज का टोटल मार्केट था।